एक साल के दौरान नागपुर में सीएनजी 26 रुपए सस्ती हो गई है। अगस्त 2022 में नागपुर में सीएनजी 116 रुपए प्रति किलोग्राम थी, वही दर अब घटकर 89 रुपए 90 पैसे हो गई है। आपको बता दें कि 15 अगस्त की रात को सीएनजी में प्रति किलो 10 रुपए की गिरावट की घोषणा की गई है, जिसका कार्यान्वयन आज से किया गया है, जिससे सीएनजी उपभोक्ताओं के बीच खुशी का माहौल है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कल से सीएनजी प्रति किलो 10 रुपए की गिरावट हो चुकी है, जिससे कि शहर में काफ़ी मात्रा में इसका असर देखने को मिल रहा है। उपभोक्ता काफ़ी खुश है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लंबी कतार लगी हुई है सीएनजी पंप पर, जिससे कि यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सीएनजी के भाव में कहीं ना कहीं गिरावट आने से शहर के नागरिक काफ़ी मात्रा में इसका उपयोग ज़्यादा के मात्रा में कर रहे हैं। और जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संकल्पित प्रदूषण मुक्त भारत और प्रदूषण मुक्त नागपुर की जो संकल्पना है, कहीं ना कहीं साकार होने जा रही है। अगस्त 2022 से अभी तक यानी पूरे एक साल के कालावधि में सीएनजी के दाम में 26 रुपए की गिरावट हुई है, जिसके कारण सीएनजी पंप पर लंबी कतार देखने को मिली। 15 अगस्त की रात को सीएनजी के दामों में 10 रुपए कम करने की घोषणा की गई, जिसका कार्यान्वयन आज से किया गया, जिससे जनता खुश तो है, लेकिन सीएनजी वाहनों का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की एक शिकायत भी है। उनका कहना है कि सीएनजी में गिरावट तो की गई, लेकिन इसर के पंप क्यों नहीं उपलब्ध कराए गए। शहर में मात्र 3 पंप मौजूद है, जिससे दूर दूर से वाहन चालकों को सीएनजी भरने आना पड़ता है, जो कि काफी महंगा साबित होता है। दर्शकों, सीएनजी में 10 रुपए की कमी के बाद काफी खुशी का माहौल है उपभोक्ताओं में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विजय पखाले जी, जिनसे हम जानेंगे कि कैसा लग रहा है सीएनजी का के दाम कम होने के बाद, क्या उनके जीवन में और यातायात में गुड न्यूज आने वाली है। तो अभी गुड न्यूज आपको मिल चुकी है, सीएनजी के दरों में 10 रुपए की कमी हो चुकी है। क्या लग रहा है आपको और कैसे क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? नहीं, सीएनजी में 10 रुपया जो कम जो हुआ है, इसके लिए सबसे पहले मैं शासन का धन्यवाद करूंगा। लेकिन इन्होंने जो 10 रुपया आज जो कम किया है, वो साल भर पहले होना चाहिए था, एक ये चीज़। और दूसरी बात, यानी हम नागपुर की तुलना में मुंबई, पुणे, नासिक अगर देखें, तो वहाँ पर यानी आज से साल भर पहले, 2 साल पहले 65-70 रुपये के जी यानी था आने, और उस पर अपने यहाँ पर ने नागपुर में 100 रुपये था। तो इतना डिफरेंस क्यों? तो यहाँ तो एक तो ने प्रॉब्लम ऐसा है, सीएनजी की गाड़ियाँ तो लोगों ने ले ली है, लेकिन पेट्रोल पंप ही नहीं है। पंप नहीं होने के कारण से पेट्रोल कैसा भर पाएंगे यानी। अरे, मैं अभी तिरुमति नगर में रहता हूँ, तिरुमति नगर से मेरे को अपना कामटी रोड पर आना पड़ता है। एक पेट्रोल के अलावा, पंप के अलावा दूसरा पेट्रोल पंप भी नहीं है। एक किलो सीएनजी में कितने किलोमीटर तक चल जाती है आपकी गाड़ी? सिटी के अंदर में अपना एक 16-17 किलोमीटर चलती है, 17 किलोमीटर। सरकार के इस निर्णय से जनता के बीच खुशी का माहौल है, लेकिन सीएनजी पंप को बहुल मात्रा में उपलब्ध कराने की मांग भी, जिसके चलते ऑटो चालकों ने मांग की है कि जैसे दाम कम किए हैं, वैसे ही पंप की भी उपलब्धता कराई जाए। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऑटो चालक, जो कि सीएनजी का उपयोग करते हैं, सीएनजी वाहन का उपयोग करते हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कम होने के बाद क्या है उनकी प्रतिक्रिया। सीएनजी के भाव कम हुए हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया? हमारी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है, हम चाहते हैं और इससे भी कम हो। एक ही रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से, सभी से हमारी है कि और भी अगर पंप ज़्यादा खुलेंगे तो हमें दिक्कत कम आएंगे। यहाँ पर एक ही पंप है और उसके बाद एक वाड़ी में है, तो हमको 10-10 किलोमीटर आना पड़ता है। आने के बाद यहाँ प्रेशर नहीं, बस एक ही रिक्वेस्ट, बाकी सीएनजी गैस अच्छी है और गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने 10 मतलब रुपए कम किए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से मेरी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से या गडकरी साहब से, जो उन्होंने वादा किया था कि सीएनजी के पंप हर जगह पर खुलेंगे, उसके वजह से हमने गाड़ी लिया है। मगर अभी तक मैंने गाड़ी लेने से 2.5 साल हो गए, अभी तक दूसरा पंप खुला ही नहीं है, ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। एक केजी में नियर अबाउट चलेगा 40-42 किलोमीटर, सिटी में चलता 40, सिटी के बाद 42-43 किलोमीटर चलता। रिस्पॉन्स अच्छा है, गाड़ी अच्छा है, इसमें कोई नहीं है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। प्रॉब्लम ही है यहाँ पे, हम लोग 2-2-3-3 दिन नहीं आते ना, तो यहाँ प्रेशर नहीं रहता है, उसके वजह से गैस बहुत कम मिलती है, 0.5 किलो 1 किलो उसमें चलता नहीं। कैसा लग रहा है आपको आज सीएनजी के रेट कम हो चुके हैं, क्या लगता है? हाँ, तो कम और कम होना चाहिए,
और जो पंप है ये बहुत कम है, यानी एक या दो ही है। हम बहुत दूर दूर दो 15-15 किलोमीटर से दूर से आते हैं यहाँ पे भरने के लिए गैस। लेकिन एक और दूसरी बात, गैस की एक लिमिट भी रखना चाहिए कि कभी कम देते हैं फिर कभी ज़्यादा मिल जाती है, तो उससे आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। ऐसा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी है। दर्शकों, 15 अगस्त 2022 को इसकी घोषणा की गई कि 10 रुपये प्रति किलो सीएनजी पर कम हो चुके हैं, और ये पूरे साल भर में अगस्त 2022 से लेकर आज तक यानी कि पूरे एक साल के कालावधि में 26 रुपये प्रति किलो पर सीएनजी प्रति किलो पर कम हुए हैं, जिससे कि देख पा रहे हैं शहर में काफ़ी खुशहाल प्रतिक्रिया मिली है, सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी सवाल नागरिकों द्वारा, उपभोक्ताओं द्वारा उठाया जा रहा है कि सीएनजी के जो पंप है यह बहुल मात्रा में क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे कि सीएनजी भराने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार ध्यान दे, केंद्र सरकार ध्यान दे, यह भी सवाल नागरिकों से उपस्थित हुआ है। हमने बात की सीएनजी के उपभोक्ताओं से, जिनसे कि हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, साथ ही साथ सवाल भी मिला। इसी के साथ कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC News के लिए नागपुर।